जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाले 90 दिन यानी मई जून और जुलाई के जो महीने हैं वो कैसे रहने वाले हैं। इन 90 दिनों के अंदर ग्रहों का गोचर, ग्रहों की स्थितियाँ आपको किस तरीके से प्रभावित करेंगे, कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तन करेगा, उसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव होगा, जीवन के सभी मुख्य तथ्य, आपकी स्वास्थ्य, सम्मान, शिक्षा, प्रेम संबंध, विवाह, वैवाहिक जीवन, नौकरी, व्यापार, लाभ और प्रमोशन, ये कब कब किस किस स्थिति में कैसे कैसे होंगे, ये सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बड़े विस्तार से बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो में बड़े अंत तक बने रहिएगा आप, जिससे आपको कोई भी विशेष जानकारी ना छूट जाए, क्योंकि हर व्यक्ति विशेष अपने जीवन में योजना बना के कार्य करता है। वो योजना उसके लिए आने वाले समय में सफल होगी या नहीं, उसका आप अंदाज़ा ज्योतिष के द्वारा लगा सकते हैं कि मैं आने वाले समय में मेरा प्रोफेशनल लाइफ कैसी, मेरी एजुकेशन कैसी रहेगी, कौन सा ग्रह मुझे क्या दे सकता है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बनाऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। राशि पर आधारित है हमारा ये वीडियो कि वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसे होंगे आने वाले 90 दिन। इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है, जिससे आप इसको समझ सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भी आपका स्वास्थ्य, मान सम्मान, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कि अगर राशि का मालिक इन सब चीज़ों को बताता है कि राशि का मालिक अगर प्रबल है तो सफलता की स्थितियाँ बढ़ जाती हैं। अगर राशि का मालिक प्रबल नहीं है तो आप जो भी कार्य उस दौरान करते हैं, आपको लगता भी दिया तो मैंने अपना 100%, लेकिन मुझे उतना मिला नहीं। ये सब चीज़ें आती हैं शुक्र ग्रह से, क्योंकि शुक्र आपकी राशि का मालिक। हमने देखा जब महीने की शुरुआत हुई तो 29 अप्रैल से लेकर 19 मई तक शुक्र 12वें घर में थे। 12वें घर में अगर राशि का मालिक जाता है तो इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कहते राशि का मालिक 6-8-12 में हो तो अड़चने देता है, परेशानी देता है, सफलता की स्थितियां कम होती हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, लाभ पूरा नहीं मिलता। ये शुक्र ग्रह से आता है, ये शुक्र ग्रह से आता है, इसलिए सबसे पहले वेट करना पड़ेगा 19 मई के आने का। क्योंकि जब 19 मई आपके जीवन में आ जाएगी तब से आपके जीवन का एक बेहतर समय स्टार्ट होगा। कि 19 मई से 12 जून तक जब शुक्र ग्रह वृषभ राशि में होंगे तो वो आपको क्या फल देंगे, यहाँ से इस महीने की या 90 दिनों की एक बेहतर शुरुआत का पहला कदम रखा जा रहा है। क्योंकि जब शुक्र यहाँ आएंगे तो यहाँ पहले से ही विराजमान है गुरु, धन के कारक होके, शुभ ग्रह होके यहाँ बैठे हुए हैं। उनके साथ शुक्र भी अपनी ही राशि में आ गए हैं, मालव्य राजयोग बनाएंगे, तो शुक्र और गुरु की सबसे शुभ युति महीने की शुरुआत में यानी 19 मई से 12 जून बनेगी। यहाँ से सफलता का पैमाना शुरू होता है कि एक धन का कारक गुरु, एक दूसरा धन का कारक जिसको हम फाइनेंस से संबंधित भी शुक्र ग्रह को कहते हैं, वो दोनों शुभ ग्रह आपकी राशि पे आते हैं। यानी सबसे पहले अगर हेल्थ इश्यूज किसी भी तरीके के हैं सॉल्व होंगे, कोई मान सम्मान की गिरावट है वो नहीं होगी, किसी प्रकार का मन में डर है कि मेरे साथ कुछ अहित ना हो जाए, गलत ना हो जाए, या मन में परेशानी है, तो वो चिंता यहाँ से सॉल्व होगी। यही शुक्र गुरु की स्थिति यहाँ बताती है कि इस दौरान आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि शुक्र और गुरु यहाँ से बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे, यानी ये स्थिति विवाह और वैवाहिक संबंधों को शुभ बनाने में सक्षम है। तो लगातार शुक्र गुरु की ये युति पूरे लगभग लगभग आप समझिए 19 मई से 12 जून तक चलेगी। ये समय आपके लिए काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा। अब ये शुक्र यहाँ से निकलकर धन में पहुँचेगा, धन का कारक यहाँ है और शुक्र पहुँच गए धन में, यानी ये स्थिति भी आपके लिए सफलता के लिए तो बेहतर है, क्योंकि राशि का मालिक बली है। उसके अलावा धन के लिए भी शुभ है, प्रोफेशनली भी शुभ है, कार्य में सफलता के लिए शुभ है कि मैंने इस दौरान जो काम किया उसमें मुझे फ़ायदा मिला, या मैं जिस काम में जा रहा हूँ वो मेरे लिए बिल्कुल सही ट्रैक है। तो आप लगातार देख सकते हैं 19 मई से लेकर 6 जुलाई तक का समय जब शुक्र वृषभ और मिथुन में होंगे, ये आपके प्रमोशन को, आपके तरक्की को और सफलता को दर्शाता है। 6 जुलाई से 31 जुलाई शुक्र आएंगे कर्क राशि के अंदर। राशि का मालिक तीसरे घर में हो तो टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से, परिवर्तन से, ट्रांसफर से लाभ मिलता है। सिंगिंग से, डांसिंग से, मीडिया से, कम्युनिकेशन से लाभ मिलता है। जो लोग इनसे संबंधित उनके काम करते हैं उन लोगों को लाभ मिलता है। इस दौरान शुक्र अस्त भी रहेंगे, लेकिन अस्त होने का इतना कोई खासा प्रभाव आप पर नहीं होगा,
क्योंकि राशि का मालिक है शुक्र आपका। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए थे, आपने देखे भी होंगे, नहीं देखे तो देखिए, उससे आपको बहुत सारी जानकारियाँ मजबूत रूप से मिलेंगी। तो शुक्र की ग्रह की स्थितियाँ बृहस्पति के कारण काफ़ी शुभ हुई है। कैसा रहेगा इस महीने, इन 3 महीनों के अंदर, इन 90 दिनों के अंदर, नौकरी, व्यापार, लाभ, प्रमोशन, विवाह, वैवाहिक संबंध। जैसा कि मैंने शुक्र की स्थिति से आपको बताया था कि भाई शुक्र ने इंडिकेशंस दे दिया है कि मैं इन 3 महीने में आपके फाइनेंस को बेहतर रखूंगा। अब अगर देखें तो आपके भाग्य और आपके कर्म दोनों को संभालने वाला ग्रह कौन है, शनि है। शनि ग्रह दोनों को संभाल रहे हैं, और जब शनि संभाल रहे हैं अपने ही भाव में बैठे हैं, गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं, और गुरु देखिए यहां बैठे हुए हैं, यानी शनि को बल मिला गुरु की वजह से, शनि बली हुए गुरु की वजह से। शनि योग कारक है, दशम में बैठे हैं, गुरु के नक्षत्र में, इसलिए प्रोफेशनली ये स्थितियां पॉजिटिव दिखती हैं। यानी गुरु और शनि की वजह से स्थितियां पॉजिटिव हुई, शुक्र के गोचर की वजह से स्थितियां पॉजिटिव हुई, यानी प्रोफेशनली आने वाले 3 महीने कहीं ना कहीं सफल होते दिखाई देते हैं। अब शनि का संबंध लगातार 12वें घर से बनता है। अब 12वां घर क्या कहलाता है? 12वां घर कहलाता है कि आप अपने कर्म कार्य क्षेत्र को या तो किसी दूर स्थान से जोड़ें, यात्राओं से जोड़ें, कुछ भी करें, लेकिन ऐसे ही कामों की योजना बनाएंगे तो आपके लिए यह फायदेमंद रहेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, मंगल और राहु की युति इस पूरे महीने बनी रहेगी, क्योंकि मंगल सप्तम भाव का मालिक है। अगर मैं विवाह वैवाहिक संबंधों की बात करता हूँ तो पहला तो मंगल राहु के साथ है। जब सप्तम का स्वामी अपने घर से दूर जाकर बैठ गया राहु केतु पक्ष पे, तो कहीं ना कहीं 7वें घर में चिंता आई। वो चिंता किस चीज़ की हो सकती है? विवाह वैवाहिक संबंधों को लेकर, क्योंकि कर्म कार्य क्षेत्र ठीक चल रहा है, नौकरी भी ठीक है अपनी जगह, काम भी ठीक चलता ही रहता है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने वैवाहिक संबंधों को लेकर चिंता में हूँ, क्योंकि मंगल राहु के साथ गया है तो ये बिना वजह भी जीवन साथी के साथ तनाव के संबंध बना सकता है। जब तक मंगल राहु के साथ रहे तब तक सावधान रहिए, क्योंकि 23 अप्रैल से 1 जून तक मंगल मीन राशि में गोचर करेंगे, और मंगल का मीन में गोचर करना आपके लिए, इन्हीं चीज़ों के लिए चिंताजनक है। दूसरी तरीके से पॉजिटिवली लें तो एकादश भाव लाभ का भाव है। लाभ भाव में अगर मंगल राहु जाते हैं तो ये धन के लिए शुभ है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए शुभ है, क्योंकि ये दोनों प्लेनेट गुरु की राशि में है, और गुरु कहाँ गया? आपकी राशि के अंदर बैठ गया। इसीलिए मंगल और राहु की ये युति गुरु के कारण सकारात्मक हुई, क्योंकि ग्रह इसकी राशि में है वो बली है। गुरु लगातार यहाँ से बैठकर पंचम, सप्तम और नवम को देखता है, यानी गुरु की पंचम भाव पर स्थिति है तो ये आपकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान के लिए शुभ है। सप्तम भाव पे दृष्टि है, इसका मतलब है आपके विवाह वैवाहिक संबंधों को टूटने नहीं देगा गुरु, तो ये स्थितियां पॉजिटिव हुई है। अब मंगल यहाँ के मालिक होके 12वें घर में गए, इसको समझिए। सप्तम का मालिक 12वें में जाए या 12वें का मालिक 12वें घर में हो तो यात्राओं से लाभ मिलता है, क्योंकि मंगल 12वें घर से बैठ के यहाँ देख रहा है। इस दौरान विवाह किसी दूर स्थान से जुड़ के संभव हो सकता है, या लड़का कहीं बहुत दूर रहता हो, या लड़की कहीं बहुत दूर की रहने वाली हो, या विदेश में काम कर रहा हो या कर रही हो, उसके साथ विवाह होने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि 12वें का मालिक 12वें में है तो बाहर से जुड़ के लाभ दिलाएगा तो खर्च भी कराएगा। मंगल 12वें घर में है, अपनी एनर्जी को सोच समझकर खर्च करें। फिर यह मंगल आ जाता है यहाँ 12 जुलाई से 26 अगस्त वृषभ राशि में। यहाँ गुरु के साथ, गुरु देखता है सप्तम भाव को, शनि देखता है सप्तम भाव को, मंगल भी देखता है सप्तम भाव को, यानी ये समय में विवाह वैवाहिक संबंध तो अच्छे रहेंगे, और वो लोग जिनका विवाह नहीं हुआ उनको इस दौरान वर या वधु मिलने की संभावना बढ़ेगी। ये भी हमें शनि गुरु मंगल से दिखाई दिया। अब देखते हैं शिक्षा, प्रेम संबंध, बुद्धि और निर्णय के लिए ये 3 महीने कैसे हैं। देखिए, हम हमेशा जानते हैं कि ये सारी चीज़ें पंचम भाव से होती हैं। पंचम भाव पे हमने देखा है कि लगातार गुरु का प्रभाव है, यानी वो 5वें घर को बिगड़ने नहीं देगा। पंचम भाव शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान का है, तो इनसे संबंधित सुख देने के लिए
गुरु तैयार हैं। और गुरु तैयार हैं तो अब हमें चाहिए पंचम भाव का स्वामी कौन है, बुध है। वही बुध धन को भी संभालता है। अगर हम इन तीनों महीनों के अंदर देखें तो 31 मई से 14 जून तक वृषभ राशि में आएंगे बुध, दूसरे का मालिक यहाँ, पंचम का मालिक यहाँ। इसका मतलब ये स्थिति धन और शिक्षा दोनों के लिए अनुकूल है, क्योंकि गुरु और बुध दोनों दिग्बली होकर बैठ गए। बुध फिर स्वराशि के होकर अपनी राशि में जाएंगे, यानी धन के लिए, धन की स्थितियों के लिए लगातार पॉजिटिव साइन है, शिक्षा के लिए पॉजिटिव साइन है। फिर बुध आएंगे तीसरे घर के अंदर 29 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे, यानी अगर धन कमाने के लिए ट्रैवलिंग करनी पड़े तो लाभ, और शिक्षा के लिए कोई यात्रा करनी पड़े तो लाभ मिलेगा। यानी बुध ग्रह की लगातार स्थितियां इन तीनों महीने आपकी प्रेम संबंधों के लिए शुभ है, आपकी एजुकेशन के लिए शुभ है, आपकी शिक्षा विद्या बुद्धि संतान से संबंधित स्थितियों के लिए लगातार शुभ दिखाई दे रही है। यानी ये पूरे के पूरे तीन महीने कहीं ना कहीं ग्रहों के गोचर के हिसाब से बेहतर हैं, जिसमें बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं शनि, शुक्र, गुरु और बुध। ये तीनों आपके लिए बेहतर भूमिका निभाते हैं, और तीनों ही ग्रह तीनों इन तीन महीनों के अंदर बहुत कुछ आपको बेहतर देने में सक्षम भी हैं। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसे होंगे आने वाले मई, जून और जुलाई के महीने। जय श्री राम।